तो आज कोरियन हमारे धर्म मित्र हैं, उनके लिए 3 दिवसीय धर्म प्रवचन का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। इसकी मैं यहाँ पर व्याख्या करूँगा। तो ऐसा अवसर प्राप्त करके मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और प्रज्ञा पारमिता हृदय जो सूत्र है, तो उसमें प्रज्ञा पारमिता में जो बुम जो बृहद है उससे भी बृहद माना जाता है। तो इसमें दो जो 2000 सूत्र और उसके अलावा ये 8000 सूत्र और 1 लाख सूत्र माफ करना श्लोक माले, तो एक प्रज्ञा पारमिता में एक अक्षरी प्रज्ञा पारमिता सूत्र भी है। तो अ नाम से भी है, अ का मतलब निषेध करना। तो निषेध करने का अर्थ है जो हम चीज़ों को देखते हैं वो वैसी नहीं होती हैं, स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। तो इसका अर्थ ये होता है तो प्रज्ञा पारमिता निंगापा अथा अर्थात इसको छोटा माना जाता है, वो संक्षेप में है, बहुत बड़ा नहीं है। और इसको एक प्रकार के सार के रूप में, हृदय के रूप में कहा गया है। तो आज से 3 दिन तक जो हमारे कोरियन बौद्ध भाई बहन हैं उनके लिए प्रवचन दूंगा, संक्षेप में इसका प्रवचन देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो प्रज्ञा पारमिता अर्थात शिर प्रज्ञा का अर्थ क्या है, तो भगवान बुद्ध के जो दर्शन है धर्म है उसमें केवल श्रद्धा की बात नहीं है, तो अपनी प्रज्ञा के द्वारा चिंतन करना, विचार करना, इसके बारे में कहा जाता है। इसलिए प्रज्ञा और जो श्रद्धा है ये दोनों महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन उनमें भी जो श्रद्धा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो जो श्रद्धा हो वो भी प्रज्ञा रूपी श्रद्धा होना चाहिए, प्रज्ञा के अनुसार होना चाहिए। और हम सामान्य रूप से कहते हैं कि जो प्रखर बुद्धि वाले होते प्रज्ञा अनुयायी होते हैं, और थोड़े कम वाले वो एक प्रकार से श्रद्धा अनुयायी अर्थात धर्म अनुयायी और श्रद्धा अनुयायी दो कह सकते हैं। और जो प्रज्ञा अनुयायी होते हैं वो हमेशा उस उनके जो कारण क्या हैं, वजह क्या है, इस पर चिंतन करेंगे। और वास्तविकता क्या है इसको बारे में वो परीक्षण करते हैं, चिंतन करते हैं। तो केवल जानना ही नहीं है, जो रब तिब्बती में अर्थ है अर्थात बृहद रूप से उसको समझना, अच्छी तरह से उसको समझना, कारणों के सहित तो उसको जानना। तो भगवान बुद्ध ने भी खुद कहा है कि हे मेरे भिक्षुओं और विद्वानों, तो मेरे वचनों को आप श्रद्धा न मान करके उनको आप एक परीक्षण के दौरान समझना चाहिए, परीक्षा करके समझना चाहिए। और मेरे जो वचन हैं उनको आपको केवल श्रद्धावश मानना, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे वचनों पर परीक्षण करो, उनकी जांच पड़ताल करो, और उसमें देखो कि इसमें जो मेरे वचन हैं वो अर्थपूर्ण हैं कि नहीं। अगर अर्थपूर्ण लगते हैं तो आप उसमें विश्वास करो। ये बात तो तथागत बुद्ध ने खुद कही है। तो भगवान बुद्ध के जो शासन है तो भारत में जो रहा, और उसका एक मूल कहा जाए, एक प्रकार से एक स्थान कहा जाए, तो नालंदा रहा है। और वहाँ पर ज़्यादातर प्रज्ञा के द्वारा अनुच्छेद करके, परीक्षण करके, उसके बाद लोगों ने श्रद्धा अपनाई, श्रद्धा का अभ्यास, श्रद्धा एक तरह से ली। तो उसमें बहुत तरीके थे, बहुत व्यवस्थाएं हैं। तो मुख्य रूप से व्यवस्था के अनुसार कि हमें प्रज्ञा अनुयायी होना चाहिए। तो नालंदा के बहुत सारे जो प्रकांड विद्वान हुए हैं, तो भगवान बुद्ध ने जो गंभीर और बृहद जो व्याख्या की है,
तो गंभीरता के रूप में देखना चाहिए थे। दो तो एक प्रकार से गुहाय रूप से जो गंतोक के लक्षण और एक नागार्जुन के जो शून्यता के गुहाय के रूप में कहे जाते हैं, तो इनके अर्थ जो है काफ़ी गंभीर हैं। और एक प्रकार से जब गंभीरता के बारे करते हैं तो शून्यता के बारे में और बृहत्ता के बारे में जब बात की जाती है, तो प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र में इतनी बहुत बड़ा तो नहीं है, तो उसमें गते गते पार गते पार संगति बोधि सोहा ये कहा जाता है। तो उसमें प्रयोग मार्ग, संवार्ग मार्ग, भावना, दर्शन, भावना और असख्य प्रकार से जो पांच मार्गों की व्याख्या करते हैं। तो महायान परंपरा के अनुसार भी देखें तो पांच मार्ग और फिर उसके बाद अलग अलग, जैसे कि हमारे श्रावक यान के अनुसार भी व्याख्या पांच मार्ग हों, बोधचित्त के जो बोधसत्व उसके भी पांच मार्ग, वो तो मार्ग वही हैं लेकिन उनके तरीके अपने अपने हो जाते हैं। तो प्रज्ञा पारमिता अच्छी तरह से प्रज्ञा पारमिता के ग्रंथों को समझने के लिए वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा अभिसमय अलंकार है वो बहुत महत्वपूर्ण है उसमें, और शून्यता के क्रम को जानना चाहते हैं तो नागार्जुन के जो ग्रंथ हैं, नागार्जुन के शिष्यों के द्वारा जो ग्रंथों की रचना की गई है उनको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और उनको आप केवल पढ़ के न जो श्रवण करके, चिंतन करके, भावना करके, तो सबसे पहले आपको जो श्रुतिमयी प्रज्ञा उत्पन्न होनी चाहिए, फिर चिंतनमयी प्रज्ञा होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आप जैसे अभ्यास करते जाएंगे, आप एक अभ्यासी हो जाएंगे तो एक जो भावनामयी प्रज्ञा भी उत्पन्न होगी। तो फिर जैसे कि मूल माध्यमिक कड़िका और अभिसमय अलंकार, तो जो हमारे मठों में जो अभिसमय अलंकार और अभिसमय अलंकार जो माध्यमिक अवतरण, इनको दोनों को पढ़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसलिए जो एक विस्तृत मार्ग की अगर व्याख्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें अभिसमय अलंकार में इसके अच्छी तरह से व्याख्या की जाती है। तो इसको वेदन घूमते हैं कि रिम्पा, और दूसरा अगर शून्यता के जगह मार्ग हैं, क्रम हैं, तो उसमें जो नागार्जुन के ग्रंथ हैं, और अब यहाँ जो बात करें जो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र, उसमें तो अक्सर हम लोग शून्यता के चार लक्षणों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रूप शून्य है तो रूप ही शून्य है, और रूप से हटकर के कोई शून्यता नहीं है, और शून्यता से भी हटकर के कोई रूप नहीं होता है। तो इसमें चार जो एक प्रकार से चार द्वारों के कह सकते, चार गेट कह सकते हैं, या उनके चार क्रमों के बारे में शून्यता की व्याख्या की जाती है। तो शून्यता का अर्थ है जैसे कि आकाश जैसे खालीपन, ऐसी बात नहीं होती है। तो जो विषय है तो हमेशा उस विषय से उसका संबंध जरूर रहता है। तो इसका अर्थ है जो उसका स्वभाव क्या है, स्वभाव कैसे है, तब जाकर के हम कहते हैं कि रूप शून्य है, रूप स्वभाव से शून्य है। तो जब आप परीक्षण करेंगे और जब उसके स्वभाव को, उसकी वास्तविकता को समझते हैं, और जब जानेंगे कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं और जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा ही स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो रूप शून्य है। तो रूप ही शून्यता ही रूप है, इसका जो अर्थ होता है। तो इसका मतलब कि कोई भी चीज़ जो है वो एक दूसरे पर आश्रित होकर के स्वतंत्र सत्ता में नहीं है, आश्रित होकर के आई है। जैसे कि उदाहरण के रूप में जो के रूप की बात करें तो रूप छोटा, रूप बड़ा, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और वो तभी संभव हो सकता है जब आप उस विषय को लेकर के आधार पर अगर आप व्याख्या करें। तो जब आधार किसी को देखते हैं तो इसका मतलब वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, स्वभाव से शून्य है। तो रूप ही शून्य है, शून्यता ही रूप है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हमारी क्वांटम फिजिक्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके अनुसार जो व्याख्या करते हैं
तो उनके अंगार कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं, तो अपने इंद्रियों के द्वारा रूप इत्यादि को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो स्वभाव से सिद्ध है, अपने अर्थ के रूप में सिद्ध हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, आभास होता है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम उसको समझ पा रहे हैं, उसका जब परीक्षण करते हैं तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। जब आप परीक्षण करते हैं तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो शायद जो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब कहते हैं स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार से नाम मात्र में आरोपित ऐसा कह सकते हैं। तो भगवान बुद्ध के जो बात करें तो माध्यमिक दर्शन और जो विचार हैं तो उसका अर्थ यही है कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है। और जहाँ पर बाहरी रूप से सिद्ध नहीं है, ये एक प्रकार से बाहरी रूप से नहीं है, ये चित्तमात्रवादी विचारों की व्याख्या है। और तो जहाँ तक वैज्ञानिक लोग अपने जब व्याख्या करते हैं तो उनकी व्याख्या भी काफ़ी एक प्रकार से बृहद अच्छी होती है। तो प्रज्ञा पारमिता में शून्यता के बारे में व्याख्या की जाती है। तो जैसे कि हम लोग हर दिन अपने दैनिक जीवन में खाते पीते हैं, व्यवहार करते हैं, तो अगर हम ऐसा कहते रहें कि जैसा हम देख रहे हैं वैसा स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो इससे अगर हम कह रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। जैसे कुदाड़ के रूप के लिए चिड़ियों को देख लें या फिर जानवरों को देखें, तो वो भी खाने पीने की चीज़ें वो देखते हैं, तो वो भी उनको भी लगता होगा कि वो स्वभाव सिद्ध हैं, इस प्रकार से मान करके अपने जीवन जीते होंगे। तो शून्यता का जो सिद्धांत है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं उस प्रकार से नहीं है। तो जो हमारे आसक्ति रूपी जो चित्त हैं, जैसे हमें परिलक्षित होते हैं वैसे नहीं है। और पहले तो हमें यही लगता है कि वो स्वभाव से अर्थ हैं, लेकिन जब आप उसके बारे में चिंतन करें, विचार करें, तब आप समझेंगे कि जो चीज़ हम देख रहे हैं तो वो हमारी मिथ्या दृष्टि की वजह से है, वो केवल आरोपित किए गए हैं, लेकिन और आरोपित होने की वजह से अर्थ के रूप में सिद्ध हैं, ऐसा हमें आभास होता है, ऐसा लगता है। तो नागार्जुन ने भी मूल्य माध्यमिक कड़िका में कहा है कि जो भी चीज़ें प्रतिसमुत्पन्न हैं वो जो भी आश्रित हैं वो प्रतिसमुत्पन्न हैं, और जो भी प्रतिसमुत्पन्न हैं वो जो माध्यमिक मार्ग होंगे, तो जितने भी धर्म हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, प्रतिसमुत्पन्न हैं। और हम लोगों को लगता है कि वो आश्रित हैं, स्वतंत्र हैं, ऐसा न होकर के आरोपित मात्र हैं। तो इसके तो ऐसे विचार अगर रखेंगे, ऐसा हम सोचेंगे, तो हमारे अंदर जो एक जो गंभीर ग्राहता है वो नष्ट होगी, और फिर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मिथ्या विकल्प पैदा होते रहते हैं। तो ऐसी सोच रखने से आसक्ति इत्यादि नष्ट होती है, तो फिर आसक्ति की वजह से या फिर एक तृष्णा की वजह से हम जो बुरे कर्मों का संचय कर लेते हैं। पहले ये धर्म की बात है, अगर धर्म के परे बगैर सोचें तो मिथ्या विकल्पों की वजह से मन में बहुत सारी आसक्तियां पैदा होती हैं, फिर डर पैदा होता है, घमंड पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, तो इसकी वजह से हमारे जो मन हैं उसमें बहुत परिवर्तन आता है। तो आज के समय में हम देख सकते हैं कि दुनिया में जो समस्या है वो मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं, लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, कोई भी नहीं है जो चाहता हो कि उसको जो परेशानी मिले, दुख मिले, लेकिन ज़्यादातर जो मनुष्यों के द्वारा जो निर्मित समस्याएं हैं वो हमारी मिथ्या विकल्पों की वजह से है। तो जब आप उनके गहराई में समझेंगे तो वो क्यों हुआ कि स्वभाव से सिद्ध हैं, ऐसा मान बैठे कि जो भी चीज़ें हैं वो स्वभाव से सिद्ध हैं।
इसी वजह से समस्याएं आती हैं। तो जो धर्म को नहीं भी मानते हैं तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी अगर सोचता है तो उसके लिए भी ये लाभदायक होती है। तो मेरे एक मित्र थे, भारतीय मित्र थे, तो जिनका जो साइंटिस्ट है राजा रमनन, उन्होंने कहा कि यूरोप में यह जो क्वांटम फिजिक्स की व्याख्या यूरोप में नई है, लेकिन भारत में तो लगभग 2-2.5 हज़ार वर्ष पहले ही इस दर्शन की व्याख्या हो चुकी थी। राजा रमना, तो उन्होंने ये कहा था और उसके सिद्ध करने या फिर इसके सपोर्ट के लिए जो मूल्य माध्यमिक कारिका के कुछ श्लोकों का भी उन्होंने हमें जाप करके बताया कि श्लोक में ये कहा जा रहा है। तो जो भी जो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ये भारत में जो बौद्ध धर्म के अनुसार के कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो इनके लेकिन फिर भी हमारे जो मिथ्या विकल्पों को कैसे हटाया जाए, इसलिए जो हमारे स्वभाव सिद्ध नहीं उसको सीखना चाहिए। तो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में भी जो रूप शून्य है, तो रूप शून्य है अर्थ कि जो अर्थ के रूप में शुद्ध सिद्ध ऐसा हमें एहसास होता है, लेकिन वो स्वभाव के रूप में नहीं होते हैं। जो रूप हुआ, उसका आकार हुआ, तो उनको अलग अलग करते जाओ, तब फिर आप देखोगे कि जिस रूप को देख रहे हो तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, विभिन्न अवयवों से मिला हुआ है। और बिना परीक्षण किए तो हम एक प्रकार से लगता है कि इससे एक दूसरे को लाभ हान दोनों होते हैं। उसके अलावा गंध, रस, शब्द इत्यादि जो आप देखते हैं, जब इनको भी आप परीक्षण करोगे तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होंगे। तो इसके बारे में जो मूल्य माध्यमिक कड़िका है उसमें स्पष्ट रूप से व्याख्या देखने को मिलती है। तो ये आखिर महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों ऐसा है, वो हमारी मिथ्या विकल्प की वजह से हुए हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो नागार्जुन के शिष्य आर्य देव ने भी चतुशतक में कहा है कि तो जो भी चीज़ें प्रति समुत्पन्न हैं, तो उदाहरण के रूप में जैसे हमारी जो मन को विचलित करते हैं वो हमारी आसक्ति की वजह से आते हैं। तो आसक्ति जो आती है तो वो अपने अर्थ के रूप में है, स्वतंत्र सत्ता के रूप में है, ऐसा हमें आभास होता है, ऐसा लगता है। इसकी वजह से हमारे अंदर जो ईर्ष्या पैदा होती, तृष्णा पैदा होती है। तो इसके बारे में अगर आप विचार करेंगे कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है, और जिन चीज़ों को हम स्वभाव से सिद्ध हैं ऐसा मानते हैं, इनकी वजह से मिथ्या विकल्प पैदा होते हैं। तो ये चतुशतक में इसके बारे में कहा जाता है। तो हम लोगों को केवल ये शब्द मात्र में नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जब हमारे अंदर आसक्ति पैदा होती हो उस समय विचार करना चाहिए कि जैसे ही हमारे अंदर आसक्ति पैदा जब हो रही है तो वो, और वो जब आसक्ति पैदा होती है तो उसके अंदर हम ग्राह्यता की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें जकड़ एक प्रकार से हो जाते, इस वजह से आते हैं। तो इसलिए जो शून्यता के बारे में जब कहते हैं तो शून्यता का अर्थ जो हमारे क्लेश हैं, तो क्लेशों को किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है, तो इससे अगर आप समझोगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में शांति आ सकती है, शांति आने में मदद मिल सकती है, और आसक्तियाँ भी कम होंगी। अगर हम केवल ये मानते रहें कि सब चीज़ें आरोपित केवल नाम मात्र से हैं, ऐसा अगर आप विचार करेंगे, ऐसा समझेंगे, तो निश्चित रूप से हमें लाभ होता है, लोभ होगा। तो आज के समय में अगर आप देखें कि विश्व में
कोई भी जीव नहीं है जो चाहता हो कि उसको दुख मिले, सभी चाहता है उसको सुख की प्राप्ति हो। तो हालांकि जन्म और मृत्यु की जो दुख है वो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा हमारे अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिन जैसे कि आसक्ति हो गई, घमंड हो गया, क्रोध हो गया, हत्या हो गई, तो ये सारी सारी चीज़ें हमारी आसक्ति की वजह से आती हैं। और इस दुनिया की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं, उनके द्वारा बनाई गई हैं। तो आजकल वैज्ञानिक लोग भी इस प्रकार की व्याख्या करते हैं कि हमारे जो मन को जो दुखी करता है, तो दुखी करने वाला जो चित्त एक प्रकार से जो मिथ्या विकल्प है, और मिथ्या विकल्प आने की वजह से एक गंभीरता, एक ग्रहता बन जाती है, जिससे कि हम फिर एक प्रकार से मेरा और पर ऐसी भावना पैदा कर लेते हैं। तो जहाँ गंभीरता के रूप में माध्यमिक अगर सिद्धांत को देखें, तो उसमें शून्यता के दर्शन के द्वारा हमारी जो सत्यग्रहता की जो एक जकड़ है उसको कम किया जा सकता है। तो पहले जब हम 70 जो अर्थों की बात करते हैं, तो जो बोधचित्त की बात है, तो जो बोधचित्त का उत्पाद किया गया है वो दूसरों के हित के लिए किया गया है। तो पहले आप शुरुआत से देखें कि बोधचित्त उत्पाद से ही लेकर के जो और आगे जब आप पढ़ते हैं, तो क्रमशः गंभीर एक प्रकार से गंभीरता से किस प्रकार से हम चित्त को परिशुद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए माध्यमिक दर्शन और प्रचीन दोनों को अगर साथ लेकर के सोचते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग तिब्बती परंपरा के अनुसार जो 5 ग्रंथ में जो माध्यमिक दर्शन है और प्रचीन, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। और जो प्रज्ञा पारमिता शेरचिन, तो फिर उसमें तो उसमें माध्यमिक अवतरण इत्यादि जो और अब समय अलंकार इत्यादि को हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रज्ञा पारमिता, तो जो कि तिब्बती भाषा में हमेशा ये लिखा जाता है, भारतीय भाषा में भगवती प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र कहा जाता है। तो तिब्बत में जो भी अनुवाद हुए हैं, तो सबसे पहले भारतीय भाषा में ऐसा लिखा है, भारतीय भाषा में अर्थात संस्कृत में, कुछ में चीनी भाषा से भी लिया गया है ये भी कहा लिखा है, लेकिन जो लगभग 300 के आसपास जो हमारे ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर जो भारतीय भाषा से उनका अनुवाद हुआ है। तो कुछ तंत्र के जो ग्रंथ हैं वो कुछ नेपाली भाषा से भी उनका अनुवाद हुआ हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन मूल रूप से भारतीय भाषा से उसका अनुवाद किया गया। इसलिए किस भाषा से कहाँ से इसका अनुवाद किया गया, इस वजह से ग्रंथ के जो शुरुआत में ऐसा जिक्र किया जाता है। तो तिब्बती भाषा में चुमदेन देमा सेरव की फर छिम्पे निंगबो ऐसा कहा जाता है। तो प्रज्ञा पारमिता एक लघु और मध्यम और दीर्घ 3 प्रकार के होते हैं। तो जब गंभीरता या फिर विस्तृत रूप में समझेंगे तो एक संक्षेप में, और शून्यता के दर्शन ये व्याख्या की जाती हैं। तो ये ऐसा मैंने सुना, एक ऐसा स्थान के बजे के स्थान के बारे में कहा जा रहा है। एक समय भगवान बुद्ध राजगिर में ग्रतगुट पर भिक्षुओं की महती संघ और बोधसत्वों के महासंघ ठहरे थे। उस समय भगवान बुद्ध गंभीर अभिभाष नामक धर्म पर्याय समाज में समाहित रहे। तो इसके बारे में, स्थान के बारे में
किसको दिया गया, कहाँ पर थे, ये सूत्रों में आप देखेंगे तो सूत्रों में हमेशा बताया जाता है कि किसको उपदेश दिया, किस जगह पर दिया और भगवान बुद्ध ने कैसे उपदेश दिया, ये हमेशा हर सूत्र में आपको मिलेगा। तो फिर यहाँ पर गंभीर जो गृद्धकूट राजगिर के जो गृद्धकूट पर्वत है उस पर दिया। तो पहला धर्म चक्र उपदेश जो है सारनाथ में दिया, धम्मचक्र जो चार अरसत उसकी व्याख्या की थी। तो जहाँ तक जो पाली परंपरा के अनुसार विनय के नियम स्पष्ट रूप से हैं, तो पाली में ये एक सभी के सभी जो व्याख्या है, सभी के सभी जो विनय हैं पूर्ण रूप से हैं। तो जब भगवान बुद्ध ने जब वो सारनाथ में उपदेश दिया, वो चार यार सत्यों के प्रमुख रूप से उसके उपदेश दिए थे। तो दुख समुदाय, दुख जो के निरोध और निरोध मार्ग, तो जो चारों सत्यों के बारे में बताया। तो जब निरोध सत्य के बारे में बात करते हैं तो उसमें थोड़ा एक सोचने के बारे में बात होती है। जो दुख सत्य के दुख के बारे में अगर बात करें तो बिना हेतु के कोई दुख पैदा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब वो भी किसी हेतु पर आश्रित होकर के उत्पन्न हुए हैं। और जब क्लेश के बारे में बात करें तो क्लेश की वजह से जैसे कि आसक्ति हो गई, उसके वजह से भी दुख हुए हैं, दुख उत्पन्न हुए हैं। तो जहाँ तक आप बात करें तो जो कर्म के एक क्लेश और जो कि एक प्रकार से समुदाय और क्लेश समुदाय और कर्म समुदाय दो प्रकार से होते हैं, ये दोनों कैसे आते हैं इसके बारे में विचार करें। फिर उसके बाद जो हमारा निरोध सत्य है, जो तीसरे प्रकार के सत्य के बार बातें की गई हैं कि जो हमारे कर्म और क्लेश कैसे नष्ट किया जा सकता है, ये प्रार्थनाओं के द्वारा तो नष्ट नहीं हो सकते हैं। जो हमारे कर्म और क्लेश हैं वो जो हमारी अज्ञानता की वजह से ये पैदा हुए हैं, अविद्या की वजह से हुए हैं, इनको कैसे नष्ट करना है। तो जो अज्ञानता रूपी जो चीज़ है उसको ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जिस चीज़ से प्रति आप अज्ञान हैं तो उसको जानने से आप अज्ञानता को हटा सकते हैं। तो जब आप निरोध सत्य के बारे में जब सोचें तो आखिर क्लेश को कैसे नष्ट करना है, उसको कैसे नष्ट करना है, उसका तरीका क्या है। तो उस समय बहुत सारे हमारे मन में विचार आते हैं, चिंतन करते हैं, क्या भगवान बुद्ध को शरण गमन जाने संभव होगा, नहीं उससे भी संभव नहीं हो सकता है। तो क्लेशों को अगर नष्ट हमें करना है तो उसको जो हमको क्लेशों के अधीन लेते जो डालता है, जो हमें अज्ञान बनाता है, वो इस प्रकार के चित्त को हमें परखने की ज़रूरत होती है। तो वो उस प्रकार के चित्त को परख के कैसे नष्ट करना है ये जानना चाहिए, और इसको नष्ट करना है तो इसके प्रतिकारी को हमें उपयोग करना है। तो जो प्रतिकारी है, प्रतिपक्ष है, उसको कैसे हमें उत्पन्न करें। तो जो पहले जो हमारे समुदाय सत्य है उसको जिस बारे में सोचने की बात है, निरोध सत्य उसके बाद सोचने की बात है। तो भगवान बुद्ध ने जो गृद्धकूट पर्वत पर प्रज्ञा पारमिता सूत्र की व्याख्या की तो उसमें बताया कि किस प्रकार से हम क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं, इसके मूल क्या है, क्लेशों के मूल क्या हैं। तो इनको समझने के लिए और नष्ट करने, फिर उसके बाद मार्ग सत्य के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा। तो चार अर सत्य जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए एक प्रकार से बौद्ध धर्म का आधार के रूप में समझना चाहिए। तो उसमें थोड़ा और चिंतन करके जिनके सोच विचार अच्छे थे, जिनके समझ अच्छी थी, उनको फिर जो निरोध सत्य है उसको अच्छी तरह से व्याख्या की, उनको जानने के लिए, उनको समझाने के लिए गृद्धकूट पर्वत पर जो प्रज्ञा पारमिता सूत्रों की एक व्याख्या की, उपदेश दिए, ऐसा जिक्र किया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग सोच होती हैं, अलग अलग विचार होते हैं, लोगों की स्थिति होती है, मन स्थिति होती है। तो
तो इसमें पहले कहा जा रहा है कि गृहदकूट पर्वत पर भिक्षुओं को मैत्र संघ को उपदेश दिए। तो जब हम लोग तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो मैं भी गृहदकूट पर्वत पर गया, राजगीर में गृहदकूट पर्वत पर मैं भी गया। तो इसमें जैसा ग्रंथों में कहा जाता है कि गृहदकूट पर्वत कैसा है, किस तरह की है स्थान का, तो वो उसकी बहुत बड़ी महत्वता नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से जो भगवान बुद्ध ने राजगीर में उपदेश जो दिए हैं, जो द्वितीय धम्म चक्र उपदेश दिया है, वो समझने की आवश्यकता है। और द्वितीय जो कि या फिर हम कह सकते हैं कि जो शून्यता रूपी सिद्धांत यो जो धम्म चक्र उसका उपदेश दिया है। तो निरोध सत्व को अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो प्रज्ञा पारमिता को ठीक से समझना चाहिए। तो उसके एक प्रकार के जो सुनने वाले थे, तो वो लोग जो बहुत पुण्य वाले थे, जो बुद्धि वाले लोग थे, तो सामान्य जन के लिए नहीं था। जो उसको अच्छे से समझ सके उन लोगों के लिए उपदेश दिए। तो आज जो राजगृह में प्रज्ञा पारमिता सूत्रों का उपदेश दिया, तो इसके बारे में अक्सर मैं कहता हूँ कि गृहदकूट जो पर्वत है, तो उस समय जो लोग आए होंगे, जो भिक्षु लोग आए होंगे, तो वाकई पुण्य से संपन्न होंगे और उनकी बहुत ही जो मति है, प्रज्ञा है, वो भी बहुत ही अच्छी रही होगी। तो सामान्य पुद्गल नहीं होंगे शायद, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जो प्रज्ञा पारमिता हृदय जो सूत्र है, जो एक प्रकार से अवलोकितेश्वर और सारिपुत्र के बीच प्रश्नोत्तर का एक विषय है, तो जो अवलोकितेश्वर को जो देख पा रहे थे, जो ऐसे लोग, क्योंकि वो तो उनका शरीर एक देवता के रूप में है, तो वो उनको देखने की सभी लोगों की क्षमता नहीं थी। और कोई सामान्य पुद्गल पुरुष हो तो अवलोकितेश्वर को तो नहीं देख सकता था। तो मैं मजाक के तौर पर कभी कहता हूँ कि जो अगर जो अवलोकितेश्वर को नहीं देख पाता है, तो मैं ऐसा लग रहा कि ऐसे मजाक में कहता हूँ कि शायद सारिपुत्र को सारिपुत्र अकेले ही बोले जा रहे हैं। तो वो केवल उन्हीं लोगों के द्वारा देखा जा सकता है जो कि पुण्य से संपन्न हों। तो उनके समक्ष जो जैसे कि मंजूष मैत्री को देखें, सामंत भद्र को देखें, तो वो लोग एक प्रकार से दर्शन कर सकते थे। तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि भिक्षुओं के मैत्र संघ और बोधसत्व महासंघ के साथ ठहरे हुए थे। उस समय भगवान बुद्ध गंभीर अहवास नामक धर्म पर्याय समाधि में साए। तो भगवान बुद्ध एकदम गंभीर एक प्रकार से समाधि में बैठे हुए थे। और वो भी एक गंभीर आवास में बैठे हुए थे। तो जो गंभीर का आवास कहा जा रहा है, जो तो इसके बारे में अगर हम व्याख्या आके देखें, तो जो गंभीर का अर्थ जो शून्यता और आवास का अर्थ है, एक प्रकार से बृहद रूप से समझना चाहिए, तो शून्यता और बृहदता के रूप में समझना चाहिए। तो इस रूप में भगवान बुद्ध बैठे हुए थे और भगवान बुद्ध सभी के जो के बारे में समझ रहे थे, सोच रहे थे, अर्थात उनके बारे में जानते थे। फिर समाधि में उसी समय बोधसत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने भी प्रज्ञा पर गंभीर चरव दृष्टि डाला और उन पंच स्कंदों के स्वभाव शून्यता को देखा। तो सुनेता किस प्रकार से है, उन पंच के स्वभाव सुनेता को देखा। तत्पश्चात बुद्धि के अनुभव प्रभाव से आयुष्मान सारिपुत्र ने बोधसत्व महासत्व अवलोकितेश्वर को भी
तो हम अपने देवन जीवन में देखते हैं कि सुख दुख के जैसे कि रस हो, गंध हो, शब्द हो इत्यादि को हम भोग करते हैं, तो हमें लगता है कि जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं उस प्रकार से स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं, अर्थ के रूप में नहीं होते हैं। तो जो शब्द कहा जाता है यहाँ पर भी जो कि प्रज्ञा पर गंभीर चर्या पर दृष्टि डाला, तो ये क्यांग अर्थात यंग जो शब्द है वो तिब्बती भाषा आपकी कोरियन भाषा में नहीं है और चीनी भाषा में भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो फिर उसके बाद चेक किया गया कि ये संस्कृत भाषा में है कि नहीं, तो वो संस्कृत भाषा में है, तो चाहे जापानी भाषा हो, चाहे कोरियन भाषा हो, चाहे चीनी भाषा हो, तो जो अन्य भाषाओं में देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप लोगों को समझना चाहिए इसका अर्थ क्या है। तो जो इनके में भी जो शब्द कहा जाता है तो ये कहने का अर्थ है कि जो स्वभाव से सिद्ध न स्वभाव जो सिद्ध हैं वो भी स्वभाव से सिद्ध हैं, स्वभाव सिद्ध नहीं हैं। तो उदाहरण के रूप में हमारे जो एक आधार है जो रूप है या फिर स्कंद है, तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं, अपने हेतुओं पर आसक्त होते हैं, अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ये इसमें कहा जाता है। अगर स्वभाव से सिद्ध नहीं है तो फिर इसकी वजह से इसके आधार पर जो हम आत्मा का नाम देते हैं वो भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो हमारे मन में जब हम आत्मा की बात करते हैं तो कोई स्पष्ट नहीं दिखता है, तो जो हमारे तैथांतिक हैं वो भी स्कंदों से हट करके आत्मा की बात करते हैं, वो अलग से है। लेकिन बौद्ध धर्म में कोई आत्मा ऐसी व्याख्या नहीं करते हैं, कोई चीज़ अस्तित्व नहीं होता है। तो हमारी जो पांच स्कंद है, पांच स्कंदों को हम आँखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो इससे फिर एक प्रकार से हमारी एक प्रकार जकड़ जो है बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो इस वजह से कहा जाता है कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो यांगडा यांग का जो शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, भी का जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके बाद तथागत को अनुभव से आसमान सारिपुत्र ने बोधसत्व भगवान आर्य लोकदेशर ऐसा कहा, जो कोई कुलपथा कुलपुत्री प्रज्ञा पर गंभीर चर के अशिक्षा वाले उन्हें कैसे शिक्षा लेने चाहिए, ऐसा कहते बोधसत्व महासत्व आसमान सारिपुत्र ऐसा कहा, सारिपुत्र जो कोई कुलपुत्र अथवा कुलपुत्र प्रज्ञा पारमिता के गंभीर चर उन्हें किस प्रकार देखना चाहिए कि वे पंच स्कंद भी स्वभाव शून्य ऐसे समय दश डालें। रूप शून्य है, सुनता ही रूप है, रूप से सुनता पृथक नहीं, सुनता से रूप पृथक नहीं है, उसी तरह वेदना तो हमारे अंदर जो जिसके आसक्ति पैदा जो होती है शब्द गंध रस की वजह से पैदा होती हैं, आसक्तियाँ आती हैं, लगाव पैदा होता है, जो हमारी जो चक्षु जो हमारी जो इंद्रिय है इसके वजह से अच्छा बुरा हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें रूप के बारे में रूप कहा गया, रूप शून्यता कहा गया है, क्योंकि तो रूप ही शून्यता है, शून्यता ही रूप है। तो जैसा कि पूर्व में कहा गया है रूप शून्य है, अतः रूप का स्वभाव जो शून्यता है। तो ऐसा नहीं है कि आकाश के समान उसको नकार रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं, ऐसा नहीं कहना है यहाँ पर, ऐसे कहने की बात नहीं है।
तो मूल माध्यमिक कारिका में कहा जाता है कि आश्रित होकर के है, प्रतिसमुत्पन्न है, प्रतिसमुत्पन्न होकर के कोई चीज़ होती है तो रूप से सुनता पृथक नहीं, सुनता से भी रूप पृथक नहीं है। तो स्वभाव से एक हेतुओं से बिना हेतुओं पर आश्रित हुए कोई चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में के विषय के रूप में अगर आप रूप को देख लें तो इसके ऊपर जो स्वभाव है वो शून्यता के रूप में समझना चाहिए। तो एक प्रकार एक वस्तु में दो दो और उसके अलग हो जाते हैं, अंग होते हैं, तो रूप शून्यता से भी रूप पृथक नहीं है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से जिनके ये दोनों के एक स्वभाव के रूप में कहा जा रहा है तो जो नागार्जुन के मूल माध्यमिक कारिका बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि उनके जो छह अक्षर हैं वो तो है ही हैं लेकिन मूल माध्यमिक कारिका खास है। तो उनके जो टीका हैं प्रश्नपाद हैं तो माध्यमिक उसके जो एक प्रकार से बृहद व्याख्या की जाए तो माध्यमिक अवतरण हैं, तो माध्यमिक अवतरण में भी कहा जाता है क्योंकि इन भावों की परीक्षा किए जाने पर परमार्थ भाव से अतिरिक्त व्यवहार में भी विद्यमानता प्राप्त नहीं है, अतः लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। तो इसमें एक प्रकार से चार प्रकार से जो निषेध करने प्रहार करने की बातें कही जाती हैं कि यदि स्वलक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रति अविवाद से भावों का विनाश हो जाएगा, यदि शून्यता भावों से विनाश का हित हो जाए तब तो है युक्त संगत नहीं आता है, भाव स्वभाव सत्य नहीं है क्योंकि इन भावों की परीक्षा की जाने परमार्थ भावों से अतिरिक्त व्यवहार में भी विद्यमानता प्राप्त नहीं आता है, लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसमें क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी कहा जाता है कि कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो जिन भी चीज़ों को हम देखते हैं जब उनको हम परीक्षण करें तो वो स्वतंत्र सत्ता से वो प्राप्त हो ऐसा नहीं है, तो क्या वो चीज़ नहीं है ऐसा कहें? नहीं, ऐसी भी नहीं है। वो कैसे है? केवल लौकिक व्यवहार के रूप में है, एक एक समृद्ध रूप में है, नाम मात्र के रूप में है, ऐसे समझना चाहिए। उस तत्व के अवस्था में जिस युक्त से स्वतः एवं परतः उत्पाद युक्त संगत नहीं है उस युक्त से व्यवहार में भी युक्त संगत नहीं है, अतः तुम्हारा उत्पाद कैसे सिद्ध होगा? ये माध्यमिक अवतरण में कहा जाता है। तो जिन लोगों ने लेक्सिंग को पढ़ा है तो वो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इनका अर्थ है ये कि जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं, केवल और केवल नाम मात्र में हैं। तो जितने भी चीज हैं वो केवल और केवल नाम मात्र से हैं, और ऐसा जब समझेंगे तो हमारी सत्य ग्राहता है वो कम होती जाएगी, और इसके वजह से हमारे जो क्लेश हैं वो कम होंगे। तो इसके अलावा जो माध्यमिक अवतरण में भी कहा जाता है
कि क्योंकि करुणा है जिन रूप फसल के रास का बीज और उसकी वृद्धि में जल की भांति तथा दीर्घकाल तक उपयोग के लिए पके हुए की भांत मानी गई है, इस कारण मैंने सर्वप्रथम करुणा की प्रशंसा की है। तो करुणा तो मुख्य रूप से करुणा के रूप में कहा जाता है, प्रमुख रूप से करुणा के रूप में कहा जाता है। तो करुणा जो है जो अभी के लिए मध्यम और अंत के तीनों कालों में तीनों समय के लिए कैसे लाभदायक होती है, और हमारी जो स्वार्थी जो चित्त है उसको नष्ट करने के लिए तो उसमें जो प्रज्ञा पारमिता के उसमें देखें तो 70 अर्थों के बारे में व्याख्या की जाती है कि जो बोधचित्त का उत्पाद है दूसरों के हित के लिए उत्पन्न की करते हैं। तो जब इनको आप देखेंगे तो ये वाकई काफ़ी जो लाभदायक हैं। और शून्यता के जो दर्शन हैं तो शून्यता के दर्शन के माध्यम से हमारे जो बुराइयां हैं एक प्रकार से सत्य ग्राहता है वो नष्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये भगवान बुद्ध ने कहा है इसलिए हम माने, हमें अपनी बुद्धि के अनुसार समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और जब आप अच्छी तरह से इसके बारे में परीक्षण करेंगे समझेंगे तब आप जानेंगे कि हमारे मन को अगर कोई प्रभावित करता है दुखी करता है वो सत्य ग्राहता और मिथ्या विकल्पों की वजह से आते हैं। तो जब आप बोधचित्त के बारे में विचार करें तो समय जो आचार्य शांतिदेव के द्वारा जो जो छह हेतु और सातवा फल की जो व्याख्या की गई है उसके बारे में जब देखेंगे तो ये हट करके लगेगा। तो जब मैं तिब्बत में था उस समय बोधचर्या अवतार के बारे में मैं इतना मेरी इतनी ज़्यादा रुचि नहीं थी। तो उसके बाद जब मैं भारत आया तो भारत में कुनरामा तेंजिन गेलसेन जी से उसके उपदेश प्राप्त किया, फिर लोगों को बताया, दूसरों को भी बताया और मैं खुद उसका पाठ एक प्रकार से अध्ययन करता हूँ। इससे बड़ा ही लाभ होता है। और उसमें जो छह हेत और सब जो सातवा जो फल है उसकी जो व्याख्या है तो उसके बारे में बड़ा लाभ हुआ। अगर इसके ऐसा सोच करके व्याख्या करते हो तो निश्चित रूप से स्वार्थी चित्त को हटाना, परहित चित्त को ऊपर बढ़ाना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहना, जैसे कि आप बोधचर्या कहा जाता है कि अगर दूसरों के पर के दुखों को अगर आप हटाना चाहते हो तो दूसरों के सुखों को बिना समझे आप इस संसार में रह कर के कभी भी दुख सुखी नहीं रह सकते हो। तो आप बुद्धत्व की प्राप्ति करना तो दूर की बात है, स्वार्थी चित्त अगर रखोगे तो इस जीवन में भी आपको सुख नहीं मिलेगा। और जो भी दुख और सुख हैं वो हमारे जो दुख हैं वो स्वार्थी रूप स्वार्थी चित्त की वजह से आए, जो सुख हैं वो परहित की वजह से आए हैं। तो अगर आप बोधचर्या अवतार में देखें तो आत्म परावर्तन की जो विधि है उसके माध्यम से अगर समझेंगे तो बहुत ही लाभदायक होती है। तो मैं हर रोज़ इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ करके विचार करता हूँ। इसलिए जो 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 छठवां अध्याय है, ग्यारहवां अध्याय है, आठवां अध्याय उसको समझना चाहिए। तो छठवें में जो क्रोध है उसको कैसे हटाना चाहिए और आठवें में जो स्वार्थी चित्त और परहित चित्त के लाभ इनके बारे में व्याख्या की जाती है। केवल ऐसा ही है, ऐसा ही अगर कहते रहें, अगर और ज़्यादा आप उसको गंभीरता से न समझें तो लाभ नहीं होगा। तो नाग जो के माध्यमिक ग्रंथ हैं उसके अलावा बोधचर्या अवतार में जो कहा जाता है आत्म परावर्तन विधि के द्वारा बोधचित्त उत्पाद की विधि को बताया जाता है तो उसको हमें समझना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो स्वार्थी चित्त है उसको हटा सकते हैं। तो सबसे पहले जो श्रुतिमय चित्त जो प्रज्ञा, फिर जो चिंतनमय भाग्या जो प्रज्ञा, फिर भावनामयी प्रज्ञा, इसको हमें उत्पाद करना चाहिए। और वो तभी संभव होगा जब हम अपनी प्रज्ञा का उपयोग करें, अपने ज्ञान का उपयोग करें, तभी संभव हो सकता है। तो मैं भी इसका अभ्यास करता हूं
और आप हमारे जो तिब्बती जो धर्म भाई बंधु हैं उनसे मैं भी कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आपके पढ़ने इसके बारे में इस ग्रंथ को, तो मूल माध्यमिक करिका कोरियन भाषा में है कि नहीं, लेकिन चीनी भाषा में तो है, तो चीनी भाषा तिब्बती भाषा में अनुवाद करने से पूर्व से ही है। तो जो दिग्नाग और धर्म कीर्ति के ग्रंथों को जो ग्रंथ हैं वो चीनी भाषा में उनके अनुवाद नहीं हैं, अभी चीनी भाषा में उपलब्ध नहीं होते हैं। और जो चीनी हमारे जो मित्र वो ज़्यादा परीक्षण नहीं करते हैं, जो माध्यमिक और चित्तमात्मादि सिद्धांत हैं शायद उनके ज़्यादा अनुवाद नहीं हुए हैं। हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, तो भगवान बुद्ध ने कहा है ऐसा केवल माने, ऐसा जैसा कहा वैसा ही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जब परीक्षण करना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, कि जब हम वैज्ञानिक लोग भी कभी नहीं ये नहीं कहते हाँ ऐसा ही नहीं कहते, उसका परीक्षण करते हैं, तो हम लोगों को भी उसकी परीक्षण करना चाहिए, अपने मति का उपयोग करना चाहिए। तो हम लोग के जो तिब्बत की बात करें तो आचार्य जो संत रक्षित की कृपा से हम प्रमाण ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो इसके बाद आज जो प्रश्न उत्तर का सत्र यहाँ प्रारंभ होता है। अब प्रश्न तो परम पावन जी आपके के जो प्रवचन की वजह से हम कृतज्ञ हुए। तो आज 5 क्वेश्चन हैं। तो पहला प्रश्न जो है जो ज्यूंग गांग सुनिम एबोट जो मिंग वांसा बिहार की तरफ से है, तो इनका जो प्रश्न है, हालांकि विज्ञान तथा बौद्ध धर्म में अपने लक्ष्यों में अंतर है, परम पावन पिछले 3 वर्षों से वैज्ञानिकों के साथ कार्य कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए सहायक किस प्रकार से होता था, तो बौद्ध धर्म और विज्ञान दोनों के लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं, एक दूसरे से कैसे सीख सकते हैं। 과학의 지향점이 각각 다릅니다. 불교에서 과학을 어떻게 바라봐야 하는지와 또 서로 어떤 도움이 되는지 알고 싶습니다. 어, 남수다 천리 미규 민조스. 딱고 허브칼지 셰초리. 또 이에 관해서 함 깨 सकते हैं कि जहां तक तो भगवान जो बौद्ध धर्म की बात करें तो मनोविज्ञान के बारे में कहते हैं, और विज्ञान है वो जहाँ तक भौतिकवाद की बातें करते हैं उसके बारे में व्याख्या करें, लेकिन इनके गंभीरता के बारे में अगर सोचें तो बौद्ध धर्म के अनुसार मन में मन की शांति आती है, और विज्ञान के माध्यम से तो वो भौतिक विकास के बारे में व्याख्या ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो मनोविज्ञान के बारे में कोई व्याख्या कर पाए हों ऐसा देखने को नहीं मिलता है, उतना उनके प्रति ध्यान भी नहीं है। तो अभी धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रति उनकी कुछ वैज्ञानिक लोगों की एक रुचि बढ़ी है कि हमारे मन में अलग अलग विकल्प आते हैं, अलग अलग सोच विचार आते हैं, किस वजह से आते हैं, तो उनका विचार बदला है। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जो मन है जो धर्म है वो हमारे मन की शांति को प्रदान कराता है, और जहाँ तक विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान हमारे किस प्रकार से जो भौतिक को का विकास हो, किस प्रकार अपने इस सुख सुविधाएँ प्राप्त हों, तो जो शारीरिक सुख सुविधाएँ इतनी लाभदायक नहीं होती हैं, तो मुख्य रूप से जो मन की जो सुख होना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आज जो विज्ञान की बातें करते हैं, तो आजकल कुछ बौद्ध लोग जो है वैज्ञानिक प्रति रुचि दिखा रहे हैं, और जो वैज्ञानिक कुछ हैं वो भी धर्म के प्रति बौद्ध धर्म की जो मनोविज्ञान उसके प्रति ध्यान देते हैं। तो हम लोग इसमें जब वार्ता करते हैं तो इसमें कोई पूर्व जन्म पर जन्म और जहाँ तक निर्वाण इसकी बातें नहीं करते हैं, तो हम लोग केवल मनोविज्ञान की बातें जब करते हैं तो जो वैज्ञानिक लोग हैं साइंटिस्ट वो भी बौद्ध मनोविज्ञान के प्रति रुचि दिखाते हैं।
तो इससे दोनों को लाभ होता है, बौद्ध लोगों को भी लाभ है, विज्ञान लोगों को भी बात है लाभ है। तो जब हम लोग मन में परिवर्तन की बात करते हैं तो जो बौद्ध लोग हैं बौद्ध मनोविज्ञान के बारे में कहीं ज़्यादा विज्ञानकों से कहीं ज़्यादा अच्छी व्याख्या कर पाते हैं, और लेकिन जब मस्तिष्क के जब नाड़ियों के बारे में नसों के बारे में और जो दाएं बाएं पीछे आगे इसके बारे में हम बौद्ध इतनी व्याख्या नहीं कर पाते जितनी कि वैज्ञानिक लोग कर पाते हैं। तो इस प्रकार से देखें कि इनके दोनों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे एक दूसरे के साथ वार्ता करें तो लाभ होता है, मुझे भी प्रत्यक्ष रूप से इससे लाभ मिला है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न भी इन्हीं जो ज्योंगांग सुनीम के द्वारा ही है। इनका प्रश्न है कि वास्तविक अभ्यास के रूप में हम विद्यालय में मैत्री तथा करुणा की शिक्षा कैसे दे सकते हैं, अतः स्कूल में करुणा मैत्री का जो शिक्षा है उसको हम स्कूलों में कैसे दे सकते हैं, ये प्रश्न है। और हम सभी लोग जो सुख चाहते हैं दुख नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए व्याख्या बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं कि आप जैसे ही देखें जब कोई पैदा जब होता है तभी से वो चाहते हैं कि उसकी सुख मिले उसको दुख न मिले। तो इसके जो मूल है जो तो मूल को अगर बात में देखें तो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उनके पेट में होता है तो जब मेरी माँ ने माँ भी मुझे से कहा कि जब बच्चे का जब माँ का अगर मन खराब होता है तो बच्चे का भी मन खराब होता है तो पेट में पैर चलाते हैं पैर मारते हैं ऐसा कुछ करते हैं, ऐसे मेरी माँ ने मुझे बताया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जैसा ही हम पैदा होते हैं तो हमने माँ के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से उनके प्रेम से जीते हैं, ऐसा नहीं कि पैदा होते ही हमें खाना पीना बाहर से खिलाने लग जाएं, तो उनके ही हम स्तनपान पर आधारित रहते हैं आश्रित रहते हैं। तो उससे हम समझ सकते हैं कि जो प्रेम है मैत्री कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप जानवरों को हमें देखें उनके पशु पक्षियों में देखें तो उनमें भी देखें कितना प्रेम होता है, आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। और बहुत सारे जो जीवधारी हैं अपने माँ बाप के प्रेम की वजह से जीवित रह पाते हैं। तो लेकिन जो परेशानियाँ हैं और जो हमारी बुराइयाँ वो कैसे पैदा होती हैं, तो जैसे जब आप 4 और 5 वर्ष के बच्चों को देखें तो बच्चे आपस में तो कभी उनमें जाति का अंतर नहीं है, अमीरी गरीबी का अंतर नहीं है, धर्म जात का अंतर नहीं होता है, तो बच्चे हमेशा एक दूसरे से हंसते खेलते हैं दूसरे साथ खेलते हैं मजाक करते हैं तो हमेशा अपने में मग्न रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो स्कूल जाते हैं विद्यालय जाते हैं तो उसमें वहाँ पर करुणा जो और मैत्री महत्वपूर्ण इसके बारे में बहुत ज़्यादा कभी व्याख्या नहीं की जाती है, कभी कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो फिर वहाँ पर जा कर के क्या धर्म है क्या जाति है क्या राष्ट्र है अमीर हैं या गरीब हैं, तो ये जो ज्ञान है वो स्कूल में सिखाते हैं बता दिए जाते हैं। तो हमारे जीवन को चलाने के लिए मूल रूप से तो हमारे प्रेम और करुणा है, लेकिन ये स्कूलों में इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है। तो अब जो हमारे स्कूलों में अगर हम चाहें तो बच्चों में अगर बताएं कि जो प्रेम और करुणा मैत्री कोई धर्म की बात नहीं है,
इसके द्वारा हम अपने जीवन को दीर्घ कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, एक दूसरे को हम लाभ दे सकते हैं, तो इससे हित हो सकता है। इससे ये कोई पूर्व जन्म व पर जन्म की बात नहीं है, और हम अगर कोई बौद्ध है तो ये केव इसके द्वारा निर्माण को प्राप्त करेंगे ये हथियार, ऐसा नहीं है। ये हम सबके लिए आवश्यक है, आवश्यकता है। अपने मन को हम सुखी कैसे बना सकें, किस प्रकार से हम अपने मन में तसल्ली ला सकें, ये और हमें करुणा और मैत्री का हमें एक शिक्षा देनी है। और ये केवल धर्म से जुड़ा हुआ है ऐसा आप समझ सकते हैं, कभी कभी मन में आ जाता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि धर्म से इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। भारत में जो धर्म निरपेक्ष का जो एक प्रकार से व्यवस्था है, तो इसमें कोई धर्म से लेना देना नहीं है, इसमें सभी धर्मों की बात की जाती है। तो जब स्कूलों में अगर हम बच्चों को बचपन से ही प्रेम और करुणा के बारे में बताते हैं, और फिर उसके बाद विज्ञान इत्यादि के बारे में भी अगर उपदेश दें या फिर शिक्षा दें, तो माँ बाप के प्रति जो प्रेम और करुणा के जो संदेश है, बच्चे का जो एक लगाव है, वो एक नैसर्गिक तरीके से आते हैं। उदाहरण के रूप में जब हम किसी जीवधारी को देखें, जितना ज़्यादा वो एक प्रकार से ज़्यादा हम उससे प्यार करेंगे, तो वो हमें हमारे प्रति भी उसी प्रकार से अपनी भावना दिखाता है। तो इस जो ये कहा जाता है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी होने के नाते स्वाभाविक रूप से हमारे जो एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के प्रेम और करुणा से जीते हैं, तो जिस पर भी हम आश्रित हैं तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा अगर हम प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके प्रति प्रेम और करुणा का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज पर आश्रित हैं। तो और यहाँ तक अपने परिवार की बात तो ठीक है, उसके अलावा भी पड़ोसी हों, आपके आसपास के रहने वाले, और उनको हम लोग भी उन पर आश्रित रहते हैं, पड़ोसियों पर आश्रित होते हैं। अगर पड़ोसियों के साथ हमारा अच्छा व्यवहार होता है, तो पड़ोसी अगर हमारे पास कोई समस्या आती है, तो पड़ोसी लोग हमारी मदद करते हैं, तो ये प्रेम के माध्यम से आ सकते हैं। अगर सारे सारे पड़ोसियों को दुश्मन बना लो, तो फिर अगर आप पूरे उस मोहल्ले में अकेले रह करके क्या करोगे? और एक परिवार की खुशहाली आने के लिए उसका संबंध समाज से रहता है, और अगर समाज में ही अगर ऐसी समस्या पैदा रहेंगी, तो उससे कोई लाभ नहीं होता है, आप सुखी नहीं रह सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप विश्व को देखें, तो ये पूरा विश्व है वो एक हमारा परिवार है, हम एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर प्रेम करना, एक दूसरे को हानि न पहुँचाना, एक दूसरे को लाभ देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के रूप में आप उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, आपकी एक ही जाति है, एक प्रकार के लोग हैं, आपकी भाषा भी एक है, लेकिन राजनीतिक की वजह से मैं और तुम ऐसी भावना बन गई है, मैं और वो ऐसे विचार बने हैं, तो इसका कोई एक प्रकार से निरर्थक ये जो समस्या है। तो पूर्व में जो देखें तो कोरिया उत्तरी और दक्षिणी एक ही थे, प्रेम से रहते थे, तो हम निश्चित रूप से एजुकेशन के द्वारा इसको हम बना सकते हैं। जो 7 अरब के आसपास लोग हैं, उन सबको एकता के रूप में हमें देखना चाहिए। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, ये अपनी अपनी बात है, अपने अपने लोगों की अपनी व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन हमें पूरे विश्व को एक रूप में समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि सभी लोग एक समान हैं, सभी लोग इसके। तो मेरे जो ये संभव भी है, और
तो मैं हमेशा यही मानता हूँ कि सात अरब के आसपास लोग हैं, सभी समान हैं, उनको एक रूप में समझना चाहिए। मैं अक्सर यही कहता हूँ। तो हम लोग बौद्ध धर्म, जो बौद्ध अनुयायी हैं, वो हम लोग यही कहते हैं कि सारे के सारे जीवदारियों के बारे में प्रार्थना करते हैं, सर्व सत्व के, सर्व जगत के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी जीवदारियों को सभ्य सत्ता सुखी उन्तु, जो प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने राष्ट्र के लोगों के लिए करते हो, अपने लोगों के लिए करते हो, ऐसी बात नहीं है। सबके लिए आप प्रार्थना करते हैं। तो कोशिश यही होना चाहिए कि हम दूसरों को लाभ दें, मैं और तुम या मैं और पर, ऐसी बात नहीं है। ये विचार करना चाहिए। तो इसके बाद तीसरा प्रश्न। The third question will be asked by Boryeom Sunim, the abbot of Dosolam Temple. तो अब तीसरा प्रश्न बोरियम सुनिम, जो कि दोसोलम बिहार के मठाधीश हैं, ये अनि गोम्पा, मैं दूसरों के साथ धर्म को बांटने कोशिश कर रही हूँ, मगर यह आसान नहीं है। कृपया उचित तरीका बताएं जिससे अन्य प्रभावित हों तथा साथ साथ अभ्यास कर सकें। तो जैसा कि आपका जो प्रश्न है, वो पहले दूसरा प्रश्न जो पूछा गया उसमें उसके समान जैसा है। तो इसके बारे में मैंने कहा कि मनुष्यों को एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे से स्नेह करना, अगर इस माध्यम से अगर हम चलते हैं, क्योंकि सभी लोगों को प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, सभी धर्म के लोग कहते हैं। लेकिन मनोविज्ञान के बारे में अगर गंभीरता से अगर बात करें, तो शायद बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा इसके बारे में मिलता है, एक प्रकार से बृहद रूप से है। बचपन से ही लोगों को प्रेम का अभ्यास, एक प्रकार शिक्षा देना चाहिए। अगर इस प्रकार की अगर हम शिक्षा देते हैं, तो जैसे कि हमारे कोरियन हों, चाहे तिब्बती हों, चाहे चीनी हों, ये बौद्ध राष्ट्र हैं, अगर करुणा महत्वपूर्ण, इसके बारे में अगर विचार करेंगे, करुणा को और ज़्यादा अगर बढ़ाते रहें, जैसे कि अब अगर आप बोधचर्या अवतार को अगर पढ़ेंगे, तो उसमें भी कहा जाता है कि हम अपनी करुणा को कैसे बढ़ा सकें। तो सबसे पहले जो एक सामान्य रूप से जो करुणा किस प्रकार से, प्रेम किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसको बढ़ाना चाहिए। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से, कोई अगर ईसाई धर्म को मानता है तो आप ईसाई को माने, जो ईश्वर को मानते हैं तो उनको माने, ये अपना अपना विचार है। तो जो ईसाई लोग कहते हैं कि जो ईसा मसीह हैं वो पिता के समान हैं, हम लोग उनके संतान के समान हैं, तो अगर इस प्रकार से विचार करते हैं तो अपने उनके लाभ पिला प्राप्त होगा। और बौद्ध धर्म के अनुसार अगर विचार करें तो आत्म परावर्तन रूपी बोध चित्त का उत्पाद करना, और दूसरों को जो प्रेम की बात और करुणा की बात करें, तो दूसरों को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से मेरा उत्तर। फिर अगला प्रश्न भी जो बोरियम सुनीम के द्वारा ही है, तो इनका प्रश्न है कि तृष्णा तथा क्लेश को किस तरह से नष्ट किया जा सकता है, कृपया तरीका बताने की कृपा करें। तो आसक्ति है और ईर्ष्या है, तो इसके जो प्रत्यक्ष लक्षण क्या होते हैं, इनको हमें समझना चाहिए। तो ये जो ईर्ष्या और क्रोध हैं, ये हमेशा हमारे चित्त में रहते हैं और मौका देखते हैं कि जैसे इनको कोई कार्ड मिलता है तो वैसे ही एक प्रकार से तेज उत्पन्न हो जाते हैं।
तो तुरंत तुरंत के आप जब इन चीज़ों को देखे तो एक प्रकार से कलुषित उसका जो रूप है बेकार रूप है, तो और फिर आप करुणा का अभ्यास कर सकते हैं, करुणा का अभ्यास करके, प्रेम का अभ्यास करके आप क्रोध और ईर्ष्या को कम कर सकते हैं। तो फिर आप धीरे धीरे समय को अगर बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे और लंबे समय तक करते हैं, तो जैसे कि करुणा और मैत्री, प्रेम, इनके अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होता है, आपकी जो क्रोध ईर्ष्या कम होती है। तो जैसे ही आपके अंदर जब क्लेश जब हो, जटिल एक प्रकार से गंभीर क्लेश या घृणा गुस्सा उत्पन्न हो, तो समय इन चीज़ों का हमें प्रेम का अभ्यास करना चाहिए। तो पूर्व में भी कहा है कि बुद्ध चित्त का अभ्यास, शून्यता का अभ्यास, इसको अगर ज़्यादा अभ्यास करोगे तो लाभदायक होगा। तो बुद्धचर्या अवतार में भी कहा गया है कि जो हमारे जो शत्रु हैं वो एक प्रकार से मित्र के रूप में हैं, क्योंकि हमें धैर्य का अभ्यास करना, तो धैर्य का अभ्यास करने के लिए तो ऐसे ही व्यक्ति पे कर सकते हैं जो हमें मुश्किल हालात पैदा कराता हो। और जो जो शत्रु है, जो शत्रु हमारे ऊपर जो कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उसके ऊपर ही हमें धैर्य का अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए धैर्य का अभ्यास करने के लिए जो जो कल्याण मित्र है वो हमारा शत्रु है, ऐसा बुद्धचर्या अवतार में कहा गया है। Our last question of the day will be provided by. तो आज का अंतिम प्रश्न है बुलसंग सुनीम, तो सुजोंग सान बिहार के मठाधीश हैं। तो इनका प्रश्न है, पुण्य संवार तथा शून्यता के ज्ञान के मध्य कोई संबंध है या नहीं है? तो जो पुण्य संवार और ज्ञान संवार दो होते हैं, तो मूल जो अगर एक इसके खास बात बारे में करें तो मुख्य रूप से बुद्धत्व के प्राप्त करना इसके लिए किए जाते हैं। तो जो कि परहित के लिए जो रूप काय को प्राप्त करना और फिर तो इसलिए धर्म काय और सब और संभोग काय दो को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। परहित करना है तो रूप काय और जो धर्म काय इनकी प्राप्त करना आवश्यक होती है। तो जो कि बोधचर्या बोधचित उत्पाद करने के लिए दो, परहित के लिए और स्वयं अर्थ के लिए उत्पाद किए जाते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर लाभ प्राप्त कराते हैं तो वो हमारे रूप काय हैं, और वह स्वतः रूप से जिसके वजह से एक प्रकार से ताकत के रूप शक्ति के रूप में कहें, तो उसमें अगर बल नहीं होगा, शक्ति नहीं होगा, तो कोई इससे लाभ नहीं होगा। तो इसलिए संवारों में पुण्य संवार और ज्ञान संवार दो प्रकार के भेद किए जाते हैं। तो इनके संबंधों के बारे में, तो जितना ज़्यादा आपके पुण्य होंगे उतने ही ज़्यादा आप शून्यता को अच्छी तरह समझ सकते हैं, शून्यता को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आपके जो जितनी ज़्यादा शून्यता का ज्ञान होगा तो उतने ही आप बुद्धत्व के जो प्राप्ति के नज़दीक पहुँचेंगे, और अपने अपने हितों के वजह से उत्पन्न होते हैं। और जो प्रति समुत्पन्न है इसको समझ सकने में आपको और लाभ प्राप्त होगा। और पुण्य संवार और ज्ञान संवार, ज्ञान संवार और शून्यता, इन ये निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के हितकारी होते हैं। तो इसलिए हम लोग जो संवार और दो के में जो ज्ञान और पुण्य के बारे में करते हैं, और फिर हमारे दो सत्यों की भी व्याख्या है, जो गंभीर व्याख्या जो मार्ग व्याख्या,
तो पुण्य के संभार और ज्ञान संभार तो निश्चित रूप शायद इस प्रकार जो संबंध है ऐसे हम कह सकते हैं। तो आज का जो प्रवचन ऐसा ऐसा था। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। न घ्राण जन न काय न मन न रूप न शब्द न गंध न रस न स्पर्श न धर्म है चक्षु धातु से लेकर मनोधातु तथा मनोविज्ञान धातु तक भी नहीं है। तो इसमें ज़्यादातर जो प्रतिसमद पार के तो इसमें कहा जाता है कि न विद्या है अविद्या न क्षय होने से लेकर न जन्म मर तथा जरा मर क्षय तक भी नहीं। उसी तरह दुख समुदाय निरोध तथा मार्ग नहीं है न ज्ञान है न प्राप्ति और न ही अप्राप्त है सार्वपुत इसलिए बोध सत्व अप्राप्त कार्य से गंभीर प्रज्ञा प्रांत आश्रित रहते हैं अतः चित्त आवरण रहित होकर त्रस्त नहीं होते और विपर्यास से अतिक्रतीत होकर निर्माण को प्राप्त करते हैं। तीनों कालों वस्ते सभी बुद्ध गंभीर प्रदा के आश्रय से अनुत्तर सम्यक समुदाय देश को प्राप्त करते हैं। तो आज यहाँ पर समाप्त होता है जो ग्रंथ का जो उपदेश है जो प्रथम दिन का उपदेश यहाँ पर समाप्त होता है और कल पुनः मुलाकात होगी। आगे का जो ग्रंथ का प्रवचन है कल इसकी व्याख्या की जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू अगेन। थैंक यू।